सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या दिया कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल अब डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब कि आपको मान लेते हैं कि कोई हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसमें हमें पूछ रहा है कि कितना आप मिल्क स्टोर कर सकते हैं, जिसका डायमीटर कितना दिया बताइए आप लोग। डायमीटर बेसिकली हमें दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहला काम हम लोग रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस क्या इसी का आधा होगा, तो इसका आधा कितना 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो देखिए बस अब हमारा काम हो गया, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है बताइए आप लोग, एक बार अपने से बताइए आप लोग जल्दी बताइए। हाँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बस रेडियस की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आया 2/3 इंटू पाई को 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 अपॉन 2 का होल क्यूब। लेकिन ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। देखिए बेसिकली हमें पूछा लीटर में, तो मैंने बताया था लीटर में जब भी हमें पूछे तो क्या करते हैं 1000 से केवल डिवाइड कर देते, क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा अब लीटर में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग कैलकुलेशन क्या हो जाए स्ट्रांग हो जाए। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन तो आप ही करनी पड़ेगी। तो आगे हमें देखिए क्या दिया है सिक्स्थ क्वेश्चन में, अ हेमिस्फेरिकल टैंक। हमें ध्यान रखना है भैया हेमिस्फीयर दिया है कि स्फीयर दिया है। चलिए हेमिस्फीयर दिया है कि टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। मतलब देखिए कहना कि इसका कुल मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका ये आपने कोई हेमिस्फेरिकल टैंक बनवाया, तो भैया देखो कह रहा कि भैया यह थिक भी है मतलब कि मोटा भी है, तो मान लेते भैया कितना मोटा हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर थिक है, और लेकिन इसका रेडियस कितना है, रेडियस आपका 1 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर किस में करेंगे, सबसे पहले हम लोग किस में करेंगे मीटर में कर लेते हैं, या तो आप लोग सेंटीमीटर करिएगा, मैं मीटर में करके बता रहा हूँ। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए हम लोग जब भी, मैंने बताया था ना कि जब भी रेडियस कंसीडर करते हैं तो सेंटर्स करते हैं, अच्छा सेंटर्स इतनी दूरी कितनी है 1 रेडियस, मतलब हमारे इनर वाले की रेडियस कितनी है बोलिए आप लोग 1 मीटर है। ठीक है 1 मीटर है, तो मतलब स्मॉल आर हम मान लेते कि भैया 1 मीटर दिया है। लेकिन ये बताइए, मैंने बताया कि जब भैया पूरा हमें वॉल्यूम निकालना है तो इस पार्ट को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसके लिए 0.01 वाली भी रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी, यानी 1a, और जो a बच रहा है हमारा ये, तो मतलब कैपिटल आर 1+0.01 है, बड़ी वाली हमें रेडियस आगे कितनी आ जाएगी 1.01 मीटर। बस हमारा काम हो गया, तब हम कैसे निकालेंगे। अच्छा देखिए हमें हमारा काम तो इसी में करना है, इसी वाले को, तो बस हमें जो बड़े वाले रेडियस है, देखिए बस मान लीजिए इसे बड़ा वाला मान लेते हैं, ये हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये बड़े वाले को कंसीडर करते, चलिए फिगर में समझते हैं, जैसे बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देंगे तो हमारा पार्ट आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, तो बस बहुत आसान, तो क्या निकले वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई, और हमने कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब का यूज़ किया, हमारा काम हो जाएगा। अगर आप किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो ये बात आप लोग रट लीजिए। यहाँ देखिए मैं समझा देता हूँ कि भैया जो बड़ा वाले हमारा काम का काम तो यही है ना भाई, बाकी तो हमारा ठीक है, तो उसका कुछ कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वैल्यू रखिए आप लोग 4/3 पाई आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 है, और सॉरी 1.01 है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1 क्यूब। बस यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग क्या आ जाएगा, आप लोगों का आ जाए कितना वॉल्यूम आपने यूज़ किया। ठीक बच्चों, तो समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक बच्चों।